एक साहब ने अपना मुशाहिदा बयान किया, एक साहब ने अपना तजर्बा और अपना मुशाहिदा बयान किया। वो कहते हैं कि मेरे घर में 14 साल तक मुसलसल बीमारियां, परेशानियां, दुनिया की हर तकलीफ थी। 14 साल मुसलसल मेरा घर मेडिकल स्टोर था, दवाखाना था। अचानक एक अजीब बात आई मेरे घर के अंदर और मेरे घर से बीमारियां, 14 साल से परेशानियां खत्म हो गई, दवाओं से जान छूट गई, हालात बेहतरे हो गए, हर वक्त दवाओं का डब्बा हमारे साथ होता था, निजात मिल गई। घर में एक चीज आई, एक नूरी लुकमा, एक रूहानी लुकमा मिला उन्हें, फिर हालात बदल गए। आपका दर्स मैंने 2020 में सुना, तब कुदरती तौर पर सावन का मौसम था, बारिशों का मौसम था। मैंने पानी जमा किया बारिश का, उसको छाना, बोतलों में बर्फ भर के रख दिया और घर में वही पीना शुरू कर दिया और उसके ऊपर वो अमल कर दिया जो अमल आपको मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता देता हूं। और साइंस कहती है कि हमारी फजाओं में ऊपर आलूदगी है, पानी जब आता है इस तेजी से आता है कि आलूदगी की ताकत को खुद तोड़ के रख देता है, इस तेजी से आता है। और बारिश का कतरा अगर अल्लाह पाक ने ऊपर तहे ना बनाई हुई होती, बारिश का कतरा गोली की रफ्तार से ज्यादा है और जिस्म के पार निकल जाता है। रब का निजाम अजब है, किसने, अल्लाह ने बारिश को राहत भी बनाया है, रहमत भी बनाया है। कहने लगे हमने बारिश का पानी पीना शुरू कर दिया, बारिश का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 14 साल से घर में बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात, और आप जिंदगी में एक बोतल ले लें पानी की, सिर्फ एक बोतल ले लें, उस पर एक दफा अमल कर लें जिंदगी में, फिर चाहे बार बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दफा भी कर लें तो काफी भी है, शाफी भी है। अवलाकर 70 बार दरूद इब्राहिम। अच्छा, ये मिलके चंद लोग भी पढ़ सकते हैं, घर वाले, एक फर्द भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं, अगर कुछ मजबूरी है तो अमल तोड़ के थोड़ा सा बाद में भी पढ़ सकते हैं। अवलाकर 70 बार दरूद इब्राहिम, 70 बार आयत करीमा, 70 बार सूरत फातिहा, 70 बार आयत कुर्सी और 70 बार चारे कुल। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ ये अमल करें और गिड़गिड़ा के तवज्जो से, यकीन से इसी पानी को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, खाने में, पकाने में, दूध में, चाय में, आटा गूंदने में, पीने में, पिलाने। आपको अगर कोई एक घोंट कहीं से जमजम मयसर हो तो वो बरकत के लिए डाल दें। बारिश के पानी को यकीन की ताकत के साथ और इस अमल और वजीफे के साथ बारिश के पानी को पिए। अब कहते हैं कि 14 साल से हमारे घर में बीमारियां, तकलीफें, मुश्किलात थी और हमने जब से ये नूरी और रूहानी और नूरानी घोंट पीना शुरू किए हैं, हमारे घर में बीमारियां खत्म और घर में राहत, रहमत, शिफा, आफियत, बरकत, अता और फजल और करम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।